सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और टुडे वी डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है, और काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आता कि आखिर मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसका क्या है। तो आप इसे इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें 3 और 4 सीरीज़ हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब हम फ्लॉरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लीफ हमें दिखाई दे सकता है, स्टेम दिखाई दे सकता है, उसका अगर उसे ज़मीन से उखाड़ लेंगे तो रूट दिखाई दे सकता है। तो बाहर से जो हमें दिखाई दे तो दैट इज़ कॉल्ड लाइक मॉर्फोलॉजी। बट एक होता है एनाटमी। एनाटमी का मतलब ये होता है कि जब हम अंदर की चीज़ें देखें, लाइक जाइलम को देखने की कोशिश करें, फ्लोइन को देखने की कोशिश करें, दैट इज़ कॉल्ड एनाटमी। सो अब हम इस टॉपिक में मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज़ कॉल्ड रूट। तो रूट बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिकल। अगर आप देखेंगे इसमें ओव्यूल के अंदर, तो इसमें एक रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है। तो रेडिकल जो होता है मॉडिफाई होके रूट में बदल जाता है, एंड रेडिकल डिफरेंशिएटेड इनटू द प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट। तो बेसिकली और रूट जो होता है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल, नीचे की तरफ धंसता जाता है, थोड़ा बड़ा होता है और नीचे की तरफ धंसता जाता है। सेकेंडरी रूट ग्रो ऑन द लेटरल साइड, मान लीजिए ऐसे ये लेटरल साइड पे ऐसे सेकेंडरी रूट का ग्रोथ होता है। और टर्सरी रूट जो होता है दे ग्रो ऑन द सेकेंडरी रूट, इसके ऊपर ऐसे सेकेंडरी रूट के ऊपर जो रूट आते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट मेन रूट होता है जो नीचे की तरफ धंसता जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के ऊपर लेटरल साइड में जो रूट होते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट के ऊपर जो रूट प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड टर्सरी रूट। सो दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रूट। टाइप ऑफ रूट बेसिकली टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है और एडवेंस्टिशियस रूट होता है। तो टैप रूट दे आर कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं प्राइमरी रूट है, लेटरल साइड में सेकेंडरी है, टर्सरी है। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड प्लांट में ऐसा होता है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम, इसमें मस्टर्ड प्लांट भी होगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी में जनरली आते हैं। अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं या एम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्जाम बेस्ड चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइब्रस रूट सिस्टम। सो दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सपोज मान लीजिए ये स्टेम है, तो स्टेम के बेस से रूट अराइज होता है। द एग्जाम्पल इज वीट। जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं तो द प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट। प्राइमरी रूट बहुत कम टाइम के लिए होता है एंड देर रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन। नाउ द एडवेंटिशियस रूट्स, द रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। क्योंकि रेडिकल से रूट आते हैं बट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से आए, सो दैट इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बरगद का जो पेड़ होता है उसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स मेनली देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लाइक फोटो के थ्रू, तो यहाँ पे प्राइमरी रूट जो होता है आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ धंसता आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है और लेटरल में, लेटरल के साइड में भी वो है रूट्स है। फाइब्रस रूट एक जगह थिक हो गए हैं जैसे वीट में मैंने बताया था अभी, और जो मेन रूट है रिप्लेस होकर बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स में हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकले हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे फ्लावर सिस्टम है, दिस इज़ प्राइमरी रूट एंड दिस वन इज़ सेकेंडरी, और इसके ऊपर टर्सरी रूट सिस्टम है। यहाँ पे हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये स्टेम है, तो स्टेम जो होता है जैसे ये स्टेम है, फिर दूसरा स्टेम है, तीसरा स्टेम है, तो दो स्टेम
का होता है, दे आर कॉल्ड इंटरनोड. दिस इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम. एंड टू इंटरनोड इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नोड. सो द नोड एंड इंटरनोड इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम. तो स्टेम की करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. एंड दिस वन इज स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ रूट्स. रूट्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. सो दे आर द थ्री एरिया प्रेजेंट इन द रूट. नाउ द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा अभी. एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो रूट हेयर होते हैं कौन से एरिया में रहते हैं. आप अगर क्वेश्चन करेंगे मॉर्फोलॉजी में तो एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा. तो रीजन ऑफ रूट्स, जो रूट हेयर रहते हैं वो मैचुरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं. सो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन. सो देयर आर द थ्री एरिया ऑफ रूट्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक. मेरिस्मेटिक जो होता है यहाँ पे टिप पे होता है, रूट के टिप पे होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं. दे कीप ऑन डिवाइडिंग डे बाई डे. सो द इलोंगेशन ऑफ रूट इज टेक प्लेस. रूट जो होती है इलोंगेट हो जाती है. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक टिशू. सो मेरिस्मेटिक टिशू आर द डिवाइडिंग इन नेचर. ये डिवाइड होती हैं एंड द कंटिन्यूस डिवीजन लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ रूट्स. ये कंटिन्यूस डिवाइड होके और रूट के साइज को और इसके लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करती हैं. रीजन ऑफ इलोंगेशन, द सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो द रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ रूट. मान लीजिए कि मेरिस्मेटिक जोन है तो उसके प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ इलोंगेशन. इलोंगेट होता है यहाँ पे. एंड रूट ऑफ मैचुरेशन, डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ द रूट प्रेजेंट इन दिस रीजन. यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट फंक्शन करते हैं रूट में, बट दे आर नॉट कैपेबल टू डिवाइडिंग, क्योंकि डिवाइडिंग नेचर ये हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है. यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रूट है, रूट इज कवर्ड बाय द रूट कैप. सो द रूट कैप इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. दिस इज कवर्ड बाय द रूट कैप. रूट कैप बेसिकली हम बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि रूट कैप इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट. जैसे मान लीजिए ये रूट है तो रूट के जो एपेक्स हैं यहाँ पे, दैट इज रूट एपेक्स. इसमें क्या फिनोमेना होता है, दिस रूट एपेक्स सिक्रीट म्यूसिलेज सब्सटेंस. ये म्यूसिलेज सब्सटेंस सिक्रीट करता है. एंड दिस म्यूसिलेज हैविंग द शुगर लाइक कंटेंट, दैट इज शुगर लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर. और शुगर लाइक सब्सटेंस होगा तो बैक्टीरिया जो होंगे, सॉइल बैक्टीरिया, वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे. और जो बिल्कुल विस्कस नेचर है सॉइल का, उसे बिल्कुल मुलायम कर देंगे ताकि ये रूट नीचे की तरफ पेनिट्रेट होता रहे. सो इट सिक्रीट अ म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस विच इज कंटेन द शुगर लाइक सब्सटेंस, सो दैट द सॉइल बैक्टीरियम अट्रैक्ट टूवर्ड द शुगर एंड द विस्कस नेचर ऑफ सॉइल इज लॉस्ट एंड रूट पेनिट्रेट इन टू द सॉइल. क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ शुगर को खाने के लिए आएंगे तो जो बिल्कुल हार्ड सॉइल है वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और रूट पेनिट्रेट हो सकता है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. द प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट और नेमेटोफोर्स. दिस इज द थ्री टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट और नेमेटोफोर्स. तो अब देखते हैं प्रॉप रूट के बारे में, हम बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे. सो रूट मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन अदर दैन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. बट अपार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन दे आर द ऑल द सपोर्टिव फंक्शन इज देयर, लाइक अदर फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल. सो दे मॉडिफाइड टू सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ रूट अदर दैन मेन फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ द वाटर. अब हम देखते हैं प्रॉप रूट. प्रॉप रूट जो होता है, दे आर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइडेड द सपोर्ट. ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, जो बरगद का पेड़ होता है उसके आसपास ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट. बरगद का एग्जाम्पल है इसका. स्टिल्ट रूट, दे आर सपोर्टिंग रूट. दे आर राइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम. मेज और शुगर केन में हमारा स्टिल्ट रूट होता है, वो भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू बताऊँगा. यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है यहाँ पे.
सो ये चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि ये प्लांट एयर करंट से गिरे ना, क्योंकि हर जगह से इसे सपोर्ट मिल रहा है। एंड नेक्स्ट इज नेमेटोफोर्स। नेमेटोफोर्स दे ग्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है आसपास, और जैसे ऑक्सीजन मिलता है रेस्पिरेशन के लिए। राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे तो राइजोफोरा इज एग्जाम्पल ऑफ नेमेटोफोर्स। सो जो रूट होता है कुछ स्टोरेज फंक्शन के लिए भी जाना जाता है कि रूट जो होता है स्टोर करता है। तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो टर्निप जो होता है एक इस टाइप का शेप होता है, और टर्निप जो होता है वो कुछ स्टोर करेगा। कैरेट भी स्टोरेज सब्सटेंस है। एंड स्वीट पोटैटो, दिस इज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो एक पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्टेम होता है जबकि स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन। कैरेट इज रूट मॉडिफिकेशन एंड टर्निप इज रूट मॉडिफिकेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट। रूट के मेन फंक्शन होता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर इनकॉरेज, आई मीन जो सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स के। और दूसरा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल, जैसे अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि जो भी टर्निप होता है और आपका स्वीट पोटैटो होता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ सिंस दिस इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये कुछ रूट में ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ और सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। सो हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टेम और फर्दर इसके वीडियो को, तब तक आप देखते रहें और कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियो, बिकॉज आप जब शेयर करते हैं तो बहुत लोगों का भला होता है। तो मेरा एम यही है कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे, ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू सो मच।